हाय सैया गमन वाली हले जाला बदरी में सैया गमन वाली हले भजन कबीर साहब से पता चलता कि जब इस शरीर से आत्मा राम जब निकल जाथिन तो चाहे घाम हो चाहे बदरी हो चाहे ठंडक हो ले जाना है रोने वाले रोवा करती पीछे। ये बिरह भजन या बिरह में दर्द बा सैया मोर गवन वाली हले जाला बदरी में सैया मोर गवन वाली हले बाप महतारी रोई भाई भाव जाई हो बाप महतारी रोई भाई भाव जाई हो बाप महतारी रोई भाई भाव जाई हो और के रोवता संग की सहेली रोई संग की सहेली रोवाई बैठी डहरी में बलमा गवन वाली हले जाला बदरी में साया गवन वाली हले सुनने वाले बड़े भैया गाना तो आपको सुने के बहुत मिलता लेकिन असलियत के आपको समझने की जरूरत है और जब तक असलियत के न समझे तब तक प्यार किसी से कह नहीं सकते ना आप। सुनने वाले मित्र इस शरीर का अभिमान करना एक अहंकार है यही विद महात्मा तुलसीदास कहत हैं कि छित जल पावक गगन समीरा अपंचर तित यह अधम शरीरा। ये शरीर सबके लिए नहीं लिखे इंसान बदे लिखे कि अधम शरीर कोनो काम में नहीं आवत। जानवर के चमड़ा तो काम में आवत लेकिन आदमी के चमड़ा कोनो काम में नहीं आवत। चाहत वह चमड़ा से आदमी के नमक बदल ले तो मार खा सकत है तौने पर इतना अभिमान बाबूजी। ए सुने वाले बड़का भैया भजन सुना चाह गाना सुना लेकिन असलियत आपको लेना लेना है। यही पर तो कहा कबीर साहब ने इशारा दिया महात्मा ने आत्मा से सुन सुन भैया हमरे अगले कारवा सुन सुन भैया हमरे अगले कारवा सुन सुन भैया हमरे अगले कारवा सुन सुन भाई अगले कारवा डोलिया उतार बबुआ डोलिया उतार राम यही डगरी में सैया मोर गवन वाली जाला बदरी में सैया गवन वाली हले बदरी में जाला बदरी।
बड़ा भैया कबीर साहब ने फिर इशारा दिया, साधना जेकर जवानी में सधत होकर तो सध ही जाए, और जे बुढ़ाई में साधत हो ओकर नहीं सध पावत। जवानी भर बुराई करबे और बुढ़ाई में भक्ति करबे। क्या बात है। जरूरत है मित्र भजन सुनने वाले दोस्तों, जरा होश में भजन सुनना। ये हमार बोल नहीं है, महात्मा कबीर साहब बोलदास दोहराए रहा है। किस लिए दोहरा रहा? कि आपके भलाई के लिए। कबीर साहब ने कहा, इशारा दिया, गुण नाही सिखलू सहूर नाही सिखलू, गुण नाही सिखलू सिखलू सहूर नाई सिखलू गोइया, गुण नाई सिखलू सहूर नाई सिखलू, दगिया लगाई दिहलू, दगिया लगाई दिहलू, चुपोरी चुदरी में सैया मोर गवन वाली हले जाला बदरी में, सैया गवन वाली हले जाला बदरी कबीर साहब कितना सुंदर इशारा देते हैं, सिर्फ हर मानव प्राणी के एकता के लिए दे रहे हैं। पिता की घमंड न आवे शरीर में, यही वजह तो रामचंद्र महाराज यही वजह समझाए दोहराए के कबीर साहब ने, कि कबीरा यह संसार में हंसना नहीं को, आ जाओ नाव समुद्र में न जानी का हो।